गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्यावी हॉस्पिटल, इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। एक ब्लड टेस्ट जो आजकल सबकी जबान पे है, स्पेशली उन दंपतियों के जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो है AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन। सब पूछते हैं तुम्हारा AMH कितना है, तुम्हारा AMH कितना है, जैसे कि हम पूछ रहे हैं तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है और तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। हाँ दोस्तों, इसको हम बैंक बैलेंस से कंपेयर कर सकते हैं। एंटी मलेरियन हार्मोन एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि हमारा एग रिजर्व कैसा है, हमारे एग्स का बैंक बैलेंस कैसा है और साथ ही साथ एग्स की क्वालिटी कैसी है। ये ब्लड टेस्ट होता है, ये हम किसी भी दिन कर सकते हैं। ये ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे पे डिपेंड करता है, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे डिपेंड करता है और ना ही ये खाली पेट या कुछ खाने पे डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट रिलायबल मार्कर है जो बताता है कि हमारे अंडेदानी में ताकत है तो कितनी है। बट ये मार्कर है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। AMH के साथ साथ अगर लेडी की एज भी ज़्यादा है तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर लेडी की एज 30 से कम है तो AMH का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में AMH के साथ साथ एज ऑफ द वुमेन इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। वुमेन की एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब AMH क्या बताता है, लो AMH हमें क्या बताता है, उसके लिए पहले ये जानते हैं नॉर्मल AMH क्या होता है। AMH को दो यूनिट्स में लैब्स डिफाइन करती हैं। मोस्ट कॉमन जो इंडिया में लैब्स यूज़ करती हैं वो नैनोग्राम में है। नैनोग्राम में 3 to 6, 2.5 to 5, ये जो कुछ रेंजेस आती हैं ये नॉर्मल मानी जाती हैं। लेस देन 1 AMH काफ़ी चिंताजनक बात होती है। अब AMH या कम क्यों होता जाता है, एज का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना है कि हमारे पास जो एग्स है बॉडी में वो एक फिक्स्ड नंबर में है और वो नंबर तभी डिसाइड हो जाता है जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं और ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ ये एग्स डीजनरेट या डिस्ट्रॉय होते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बनता है, फूटता है, लेकिन कई सैकड़ों छोटे अंडे ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से और 35 के बाद ये जो अंडों का डिस्ट्रक्शन या अंडों का वॉशिंग अवे बहुत फास्ट हो जाता है, ऐसे डिक्लाइन करता है। तो AMH यही बताता है कि आज आपने आपके अंडों में ताकत है तो कितनी है। अब AMH अगर कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, हमारे अंडे ख़त्म हो रहे हैं, हमारा समय भाग रहा है, तो हमें पेशेंट को जल्दी प्रेग्नेंट करना है। नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस एक साइकिल में 5 to 7% होते हैं। फिर हम थोड़े से एडवांस प्रोसीजर्स में जाते हैं जैसे कि IUI या IVF, ताकि जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए, उसके जितने भी अंडे बचे हैं उसको हम यूटिलाइज करके अच्छे एम्ब्रियोज बना करके हम उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो AMH एक खतरे की घंटी होती है कि हमें जल्दी जल्दी काम करना है ताकि पेशेंट को उसके एग से ही प्रेगनेंसी मिल सके। कई बार AMH और कम हो जाता है और एग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तब हमें थर्ड पार्टी या डोनर एग का हेल्प लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो भी लेडी, भले वो मैरिड है या अनमैरिड है, अगर प्रेगनेंसी में स्पेस देना चाहती है, शादी लेट करना चाहती है या फिर अभी शादी नहीं कर लिए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती, बहुत सारे रीजंस की वजह से, उसको एक AMH का ब्लड टेस्ट अपना करवा लेना चाहिए। उस समय में अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल टेस्ट कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़े तो अपने एग्स को फ्रीज करवा लेना चाहिए, क्योंकि सच में AMH एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है बताने के लिए कि आज क्या स्थिति है हमारे अंडों की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप महिलाओं के लिए यूज़फुल रहा होगा। आप मेरे इस बात पे गौर करेंगे और अपने
फेस, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने AMH का भी ध्यान रखेंगे। नमस्कार दोस्तों।